हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम खेत सिंह चौहान फ्रॉम गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल दांतारामगढ़ सीकर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न लेसन नंबर फर्स्ट द फन द हेड एंड इट्स पैराग्राफ नंबर 9th-10th फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव। इससे पूर्व हमने 8th पैराग्राफ में पढ़ा कि मार्गी है वो टॉमी से कहती है कि विद्यालय के समय के पश्चात मैं तुम्हारे साथ ये पुस्तक थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ। अब उससे आगे हम पैराग्राफ नंबर 9 पढ़ेंगे। मे बी कहना हो सकता है या शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने उदासीनता से कहा। नॉन चैलेंटली उदासीनता से, क्योंकि टॉमी की माँ ने उसको कह दिया कि भाई तुम्हें भी है ना मार्गी भी पढ़ेगी और तुम्हें भी पढ़ना है, तुम्हारा टाइम हो गया, इसलिए वो थोड़ा उदास हो गया था। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वह उस डस्टी ओल्ड बुक को यानी धूल भरी पुरानी पुस्तक को टक्ड ठूस करके कहाँ, बीनीथ हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे दबाकर या ठूस करके कैसे चला। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी कहाँ गई, इनटू द स्कूल रूम, अपने विद्यालय कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके शयन कक्ष के ठीक अगले वाला था। मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम से अगले वाला था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मशीन शिक्षक तैयार था, ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह प्रत्येक दिन ऑलवेज यानी हमेशा, प्रत्येक दिन ऑन यानी चालू रहता, एट द सेम टाइम इसी ही समय, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन चालू रहता था एक्सेप्ट केवल छोड़ कर के आए को सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ कर हमेशा ही तैयार रहता था। बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, किसकी, मार्गी की माँ क्या कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्या कहा उसकी माँ ने, उसकी माँ कहती थी कि छोटी जो लड़कियाँ हैं अधिक अच्छा सीखती है, लर्न बेटर, अधिक अच्छा सीखती है कब, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो नियमित समय पर सीखें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन यानी पर जो पर्दा था उस मैकेनिकल टीचर का, वो लिट अप हुआ यानी प्रकाशित हुआ। एंड इट सेड, और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज का अंकगणित का पाठ, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का अंकगणित का पाठ इज यानी है काय पर, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है यानी वास्तविक भिन्न जो है उनको जोड़ने पर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का होमवर्क जो है, कल के होमवर्क को निर्धारित स्थान पर डालें, प्रॉपर स्लॉट का मतलब उचित स्थान जो है होमवर्क का उसमें डालें। मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया, साई यानी आह। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह प्राचीन विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। द हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के थे उस समय हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे, ऑल द किड्स यानी सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे केम यानी आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, विद्यालय में कैसे आते थे, हंसते और चिल्लाते कहाँ आते थे, विद्यालय प्रांगण में
स्कूल यार्ड में आते, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन समाप्ति पर साथ साथ घर जाते, दे लर्न द सेम थिंग्स, वे समान विषय वस्तु सीखते थे, सेम थिंग सीखते थे, सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनोदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वे होमवर्क में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और इस पर बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक लोग कौन होते थे, मनुष्य यानी मानव ही होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक शिक्षक पर्दे पर प्रदर्शित कर रहा था, फ्लैशिंग ऑन का मतलब प्रदर्शित कर रहा था ऑन द स्क्रीन, पर्दे पर क्या। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्नों 1/2 व 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी अबाउट बारे में कहे हमें, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बच्चों को यह अवश्य ही कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, क्या सोच रही थी वह, कि उन्होंने कितना आनंद लिया होगा, उनके आनंद लेने के बारे में वो सोच रही थी। डियर स्टूडेंट्स, अपना लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और इसके राइटर है इसाक असीमोव। थैंक यू। आप मीनिंग याद करें ताकि पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आए।